हेलो दोस्तों, आज के लॉग में आपका स्वागत है। यस, मैंने ब्रश कर लिया है, ब्रश करके अभी मैं नहाने जाऊंगा। नहाने के बाद मिलते हैं, फ्रेश होने के बाद। तो चलिए फ्रेश होके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों अभी नाश्ते में 2 महीना आ गए खाना खाने। यस, तो दोस्तों फ्रेश हो चुका हूँ फाइनली। यस, अभी मैं फटाफट पूजा कर लेता हूँ। आप इतने मतलब एक्साइटमेंट हो कि आपका कोई भी ऐसे गणपति गणेश चतुर्थी आ रहा है, वापस घर में आगमन लेंगे आप और सारे दुख दर्द दूर करना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों तो मैंने फाइनली भगवान जी से प्रार्थना तो कर लिया है, पूजा भी हो गया है, पूजा पाठ दोनों खत्म। बहुत भूख लगी है, चलिए देखते हैं किचन में क्या बनाया लंच में, क्योंकि मम्मी अभी नहाने गई है। तो फटाफट लंच करते हैं, भूख लग रही है अब बहुत भूख लग रही है। तो भोजन का शुरुआत करते हैं आज का। होप आप लोग भी हमारे साथ ही कर रहे होंगे, और अगर हो गया रहेगा तो कोई नहीं, मेरा भोजन भी फटाफट खत्म कर दूंगा मैं। तो चलिए भोजन का आरंभ करते हैं। यस दोस्तों, शाम हो गया। यस, थोड़ा सो के खाना खा के हो चुका हूँ। और यस, गेट पे कोई आया है, क्या लगता है कौन रहेगा? संडे मेरे ख्याल से तो मुन्ना लाली आ रहेगा, ये देखते हैं। बगल वाले के घर पे घंटी बजा रहे थे दोस्तों, और बगल वाली आंटी जी मेरे को बोली कि कौन है वो लड़का जो एक बार मोटा सा पागल जैसा हरकत करता है। हाँ, पागल जैसा लड़का है, कुछ भी करता है और घंटी बजा के भाग जाता है। अरे एक बार बीन बजाओ ना, कोई बीन बजाओ, बीन बीन बजाने को नहीं आता है, बीन तो लाओ। हाँ काबू करने के लिए बीन बजाते हैं, मुन्ना होते हैं बीन बजाऊंगा तो सांप आ जाएगा। क्या मुन्ना लाल, क्या बीन बजा? बीन के भूल पे सांप मेरे तरफ पीछे चले आते हैं ना। तो दोस्तों मुन्ना लाल बीन बैग के बैठ गए, और देखिए तरफ बीन बैग की हालत चल चला दी। देखो दाने, दिख रहे हो दाने आ रहे हैं, पंचर हो चुके हैं। यस दोस्तों, हालत टाइट है। चलो कोई नहीं, टाइम में आया है दोस्तों गुआवा, अमरूद पेरू। तो चलिए अमरूद पेरू गुआवा खाते हैं और मजाक करते हैं नमक के साथ दोस्तों। तो यस, हमने अमरूद खा लिया है, पेरू खा लिया है, यस नमक के साथ। मुन्ना लाल अभी वाइप कर रहे हैं, लेकिन ये वाइप का एक कारण है, जो मुन्ना कान में पहने हेडफोन, ये हेडफोन से एक चीज होने वाला है। सोचो सोचो सोचो, चलो तो मैं बता ही देता हूँ यार, क्या सोचोगे आप भी। आज वापिस एक चैलेंज राउंड है दोस्तों, एक चैलेंज मतलब एक ऐसा चैलेंज कि आप सोचे नहीं रहोगे। चैलेंज ऐसा है कि हेडफोन मुन्ना लाल पहनेंगे, गाना हम बजाएंगे, हम कुछ 4 लाइन बोलेंगे, मुन्ना लाल के कान में कुछ आवाज नहीं आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, गाना फुल हाई स्पीड में रहेगा और ऐसा हम गाना बजाएंगे कुछ सुन नहीं सकते, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, समझ लो मुन्ना लाल के कान में 2 बड़े बड़े गोले, समझ रहे हो, ऐसा कुछ हाल होगा मुन्ना लाल का। और इतना जोर से बजाएंगे कि मुन्ना लाल बाहर की दुनिया क्या, मुन्ना लाल के बगल में अगर कोई बैठा रहेगा तो वो कुछ बोला तो मुन्ना लाल को समझ नहीं आएगा, सोच लो। तो हाँ, उसके बाद हम 4 लाइन का कुछ पोयम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी, 3 बार हम रिपीट करेंगे, और चौथी चांस फिर मुन्ना लाल को देंगे वो चीज बोलने के लिए। अगर मुन्ना लाल ने करेक्ट बोल दिया दोस्तों तो यस मुन्ना लाल शेर है, नहीं तो मुन्ना लाल गीदड़ लोमड़ी सब है, हाथी तो है ही, गधे भी है ही, लेकिन हाँ जो होंगे चाहे। तो लेट्स चैलेंज स्टार्ट करते हैं, पहला चांस मुन्ना लाल, दूसरा मेरा चांस और तीसरा मेरा का चांस। तो यस चैलेंज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यस, हम आज का चैलेंज स्टार्ट करने वाले। तो दोस्तों यस, दिल थाम के बैठिए, अब मुन्ना लाल हमारे रहेंगे कंटेस्टेंट और हम रहेंगे उनके लिए। तो चलिए मैं अभी कुछ वर्ड्स बोलूंगा, मतलब एक लाइन बोलूंगा 2 लाइन, एंड यस मुन्ना लाल को वो लाइन सही पकड़ना है। मैं तो हल्के से बोलूंगा ताकि उसी पाप को सुनाई दे मुन्ना लाल को, नहीं ठीक है? आर यू रेडी मुन्ना लाल? सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? नहीं पक्का? बंदर मामा पहन पजामा, कुर्ता डाले निकल पड़े, मामा पहन पजामा कुर्ता डाले निकल पड़े, बंदर मामा पहन पजामा कुर्ता डाले निकल पड़े। तो यस दोस्तों, मुन्ना लाल अभी बोलेंगे क्या मुन्ना लाल ने सही बोला है कि नहीं, आइए देखते हैं। निकाल दो। हाँ आप निकाल सकते हैं। अगर तो समझ रहे, बंदर मामा पहन पंजाबा, मटक मटक बाजार चले। दोस्तों पहला लाइन करेक्ट था, लेकिन दूसरा लाइन मुन्ना लाल फेल हो चुके हैं, क्योंकि मैंने बोला था बंदर मामा पहन पजामा कुर्ता डाले निकल पड़े, समझ रहे हो दोस्तों। तो चलो मुन्ना लाल एक लाइन गलत बोले, अब फेरा की टाइम, अब फेरा बोलेगा एंड वापिस मुन्ना लाल हेडफोन पहनेंगे, और मुन्ना लाल को अब फेरा का जवाब देना है।
मुन्नालाल मेस में वन में से मुन्नालाल को हाफ मार्क्स ही मिलता है। पेरा इधर है, पेरा भी कुछ बोलने वाला है मुन्नालाल को। यस यही है मुन्नालाल, मुन्नालाल, मुन्नालाल एंड यस इधर पेरा है। तो चलिए देखते हैं, चलिए पेरा। रात भर हल्के से आवाज कम, फिर आवाज कम। रात भर यस खांसी का ठसका। क्या बोल रहे भाई, क्या बोल रहे यार, ये सही कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा, आपका सोच गलत है। रात भर खांसी का ठसका ना कुछ यार, नॉर्वेज में बोल रहे यार, नहीं चलेगा यार। हम दोस्तों आप सुन रहे हो, आप सुनो, कुछ गलत नहीं है, हम कुछ गलत नहीं बोले, फिर से बोल। ना कुछ मेरे बस का, ना कुछ तेरे बस का। रात भर खांसी का ठसका, ना कुछ मेरे बस का, ना कुछ तेरे बस का। वापस एक बार बोलूं, चलो आप सुनो, लास्ट टाइम हां, इसके अलावा कोई चांस नहीं मिलेगा। देख सुनाई दे, धीरे धीरे बोला, धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे। रात भर खांसी का ठसका, लिपसिंग तो आराम से देना यार, ऐसे नहीं समझेगा यार, ये क्या बात है, फिर ऐसे इजी कर दूंगा आपके लिए, थोड़ा स्लो में यार। रात भर खांसी का ठसका, खांसी का ठसका, ना कुछ मेरे बस का, ना कुछ तेरे बस का। चलो अब आप बताओ क्या बोला मैंने। ठीक है ना, बोलोगे ना, चलो बताओ क्या था। रेडी मुन्नालाल, अब बोलो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे यार मुन्नालाल बोला तो पड़ेगा, ट्राई करो, जितना समझा। चलो आपको समझा वो बताओ, जो आप केला कुछ खाने का बात कर, हाँ फिर चलो कुछ भी बोलो, स्टार्टिंग से बोलो। तूने बंदर बाबा सुनो, बंदर इसने बोला, बंदर बाबा केला खाया, लास्ट टाइम में बिल्कुल आइडिया नहीं है। अरे यार बंदर मामा कहाँ से, मेरा लिपसिंग बंदर मामा की तरह मैच कर। चलो एक बार लास्ट टाइम अब बोलेगा, वापिस बोलेगा, पहला लाइन सही से बोलेगा, पहला लाइन सही गेस करूंगा तभी तो कुछ आता है। हाँ तो चलो वापिस, अब आपको ढंग से सुना, वो एक्टिंग अच्छा कर रहा है, एकदम अच्छा वो ठीक है, पर पहला लाइन बहुत थोड़ा आराम से पॉज देगा, स्लो स्लो बस स्लो कर दूंगा, इजी कर दूंगा। हां जोर से नहीं, स्लो बस, लिपसिंग दिखा, लिपसिंग। खांसी का ठसका, ना कुछ मेरे बस का, ना कुछ तेरे बस का। अब दूसरी बार बोलता हूँ, रात भर खांसी का ठसका, ना कुछ मेरे बस का, ना कुछ तेरे बस का। रात भर खा खा के, हाँ तो दोस्तों कोई नहीं, मुन्नालाल इसमें हाफ मार्क्स भी नहीं ले पाएंगे, कारण मुन्नालाल ने एक लाइन भी करेक्ट नहीं बोला। तो चलिए कोई नहीं, खांसी का ठसका, खांसी ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या बताओ, बेसिक मैनर्स में बचपन में हमको क्या सिखाते हैं, ऐसे खांसना सिखाते, ना कि ऐसे खांसना होता है। यस तो यस, रात भर खांसी का ठसका, आगे बताओ फिर, ना कुछ मेरे बस का, ना कुछ तेरे बस का। यस तो ये था दोस्तों कुछ ऐसा। तो चलो मुन्नालाल इसमें फेल थे, एंड अब आएगा आपका टनन, अब टनन की बारी है। यस मुन्नालाल बोलेंगे और फेरा बोलेंगे और मेरे को वापस वो गेस करना है। तो चलिए अब मेरी बारी है। चलो तो अब है टनन की बारी। टनन क्या आप रेडी हो? रेडी क्या? रेडी। चलो फिर मुन्नालाल आप सुना दो जरा दो लाइन। लाला जी के खेत में लाल लाल टमाटर, लाला जी के खेत में लाल लाल टमाटर, इधर तेरे को दिख, लाला जी के खेत में लाल लाल टमाटर। बोलने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, बोल भाई बोल, चल आपको बोलना है, आपको एक्सप्रेशन नहीं देना है। मुन्नालाल ये क्या कर दिया इसने, लाल लीची हमारा बगीचा, लाल लाल टमाटर। क्या बात है, कैसा लगा मुन्नालाल? अभी मैंने बहुत सिंपल तरीके से दिया था यार, लाला लाला साफ साफ दिख रहा था यार। क्या क्या
आप बता दो मुन्ना लाल क्या था वो? देखो तेरा लास्ट लाइन तो ठीक था, लाल लाल टमाटर, पर फर्स्ट लाइन था लाला जी के खेत में लाल लाल टमाटर। टमाटर टमाटर तो सही यस किया, लेकिन तो लाला जी का एक सेंटेंस में सही बोला, एक सेंटेंस सही बोला लाल लाल टमाटर, एक सेंटेंस भी सही नहीं बोला, लाल लाल टमाटर बस सही बोला। इसके लिए मिलेगा आपको आधा पॉइंट। लाला जी के खेत में और लाल लाल टमाटर यही तो बोले नहीं, वापस बताओ पोयम। लाला जी के खेत पे लाल लाल टमाटर, तो मैंने सही बोला ना एक लाइन लाल लाल टमाटर। पॉइंट फाइव दिया ना उसको, अभी फेरा बोलेगा, मैं बोलता हूँ इस बार श्रेयस बोलेगा। चलो रेडी 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 चंदन जी, आप रेडी है फिर? आर यू रेडी? काका वेटिंग रूम में फंसे हैं दूर, काका वेटिंग रूम में फंसे हैं दूर, रात भर नींद ना आए, मच्छर चूसे खून, काका वेटिंग रूम में, काका वेटिंग रूम में फंसे हैं दूर, रात भर नींद ना आई, मच्छर चूसे खून। मुन्नालाल सही कर रहा हूँ कि नहीं? एक चांस, एक चांस। दो बार और बोल दे, एक बार नहीं दो बार बोल दे। काका वेटिंग रूम में फंसे हैं दूर, काका वेटिंग रूम में फंसे हैं दूर, रात भर नींद ना आई, मच्छर चूसे खून। चलो डन, अब बोलेगा शैनन। बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों, पहला लाइन तो मेरे को ये नहीं आया, रात भर नींद नहीं आई। सही था मुन्नालाल, आप बताओ। नहीं, इसके अंदर क्या था? कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें तो। क्या राज? हाँ चलो, कुछ क्या वापस वापस होता, क्या बोला था? एक बार बोलता हूँ, एक बार मतलब गेस करके आराम से बोल भाई। मैं सर्दी के मौसम में खांसता था। अच्छा, रात भर नींद में कुछ भी आया तकलीफे मत सुना, मैं सोचता मैं सुपीता रहा लाइन था, काका वेटिंग रूम में फंसे हैं दूर, रात भर नींद ना आई, मच्छर चूसे खून। कैसा लगा? पूरा बेकार। तुम लोग ने मुझे चूसा यार, बहुत मुन्ना लाल कैसा लगा आप लोग? मच्छर चूसे खून को भी उतना ही मार्क्स आया जितना मेरे को, मिला जुला के दोनों को एक मार्क्स। अब दोस्तों पूरे कॉम्पिटिशन पेरा को पहले देखते हैं पेरा क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। नहीं अब मच्छर कौन किसको चूसता है तो वो तो बताएगा फिर। लिपसिंग करो बस थोड़ा, वो बड़ा बस टाइम हमारे ऑडियंस यानी हमारे दोस्तों को सुना जाना चाहिए ना कि फेरा को, फेरा को तो आपको गेस करना है यार, फेरा को ऑडियंस को दिखाना क्या फेरा आपके होट पड़ सकता है। ठीक है चलो, चलिए स्टार्ट। यस, हियर इज मुन्ना लाल। गोल गोल पानी, अरे आप लिपसिंग तो करो यार। कर रहा हूं। हां, गोल गोल पानी, मम्मी मेरी पानी, गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी, गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी। क्या बात है, ये भी इजी था यार। मुन्ना लाल आप कितना इजी दे रहे हो। गोल गोल पानी, मन में बस गई रानी। यस 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 दोस्तों, बोला था ना किरण सौ जरूर पढ़ रहा है, फिर आप बहुत नजदीक थे, लेकिन बोलते हैं ना आपके पैर, आपको पैर सही क्या था यार, आपको पैर तले जमीन खिसक गई। बोलिए मुन्ना लाल, मम्मी मेरी रानी था वो। अरे यार, मैंने बोला मन में बस गई रानी। ची भाई, यस यस, अरे यार ये क्या हो गया भाई। तो चलिए अब मेरी बारी है दोस्तों, मैं तो ऐसा सोचा कि भाई खत्म ही हो जाएगा मेरा। रेडी हो मेरा? रेडी हो? हाँ हाँ रेडी रेडी। खड़ी बड़ी खड़ी बड़ी मसकली मसकली, अरे भाई ऐसे तो कुछ कैसे नहीं कर पाओगे भाई। चलो ठीक है ना, बोलता हूँ बोल देगा ये खली बली मन चली मन चली। आपने ये भी आधा सही बोला आधा गलत बोला। पहला लाइन था खली बली, दूसरा लाइन था मसक कली यार। आप दोनों बार नजर, लेकिन फेरा हम तीनों में आगे। मुन्ना लाल हम दोनों टाई पे है, टाई ब्रेकर, एंड फेरा लाल क्वालिफाई कर दिया, वो हमसे आगे रैंक पे। यस, फेरा लाल फर्स्ट और हम दोनों सेकंड है, हमेशा की तरह। यस, हमेशा की तरह नहीं यार, दो बार मैं था,
तो इसमें मैं रूल थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। मेरा ऐसा रूल है कि पॉइंट वाला पॉइंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, मतलब अगर किसी एक पूरा सही बोलते हो तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं तो जीरो पॉइंट। तो जैसा कि मैंने कुछ भी सही नहीं बोला, मेरा जीरो पॉइंट, चंदन ने भी कुछ सही नहीं बोला, उसका भी जीरो पॉइंट, और फेरा ने भी दोनों में से दोनों लाइन सही नहीं बोला है किसी का भी, तो फिर उसको भी जीरो पॉइंट। ये आप अपनी थ्योरी मत लगाओ। मेरे हिसाब से तो फेरा एक जीत है, मेरे हिसाब से। गाइस नहीं हो भाई, नहीं मानी जाएगी, ये नियम ही नहीं है ना, ऐसा नहीं चलता ना। तो क्या करना है, एक और राउंड मतलब मैं तो जीत ही गया वैसे, देखा शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ, दर्शकों के चमाट खाओगे आप ऐसे बोलोगे तो, झूठ ही ना बोलते हो। हम लोग एक काम करेंगे, अब एक एक कोई एक जन तुम दोनों से सुनाएगा, मैं चंदन को चूज करता हूँ, चंदन सुनाएगा, फिर बहुत टफ देता है। ये कहाँ थे, डर गए यार मुन्ना लाल से। आपको तो ऐसा दूंगा ना मुन्ना लाल। चलो ठीक है, फिर क्वालिफाई हो गया, चलो गाइस भाई मान लेता हूं। तो अभी मेरा और मुन्ना लाल में एक टाई ब्रेकर है, फिर अब मेरा और मुन्ना लाल को कोई चैलेंज देगा जो मेरे को और मुन्ना लाल फेरा नहीं देगा, क्योंकि फेरा गेम से बाहर है, तो हम दोनों एक दूसरे को देंगे। खौफ है ना, ये काफी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, अब मुन्नाल बोल रहे हैं मेरे को चैलेंज, तो चलिए मैं मुन्नाल को चैलेंज दूंगा और मुन्नाल मुझे चैलेंज देंगे, तो लेट्स सी। तो मुन्ना लाल, पहले मैं आपको चैलेंज देना चाहूंगा, ठीक है? मैंने ले लिया चैलेंज, ये नहीं, हाँ। इसको निकालिए, मैं आपको करने बोल रहा हूँ 15 से 20 पुशअप। क्या 15? हाँ यस, तो वो टर्म बाय टर्म करूंगा, मतलब टर्म नहीं, एक बार में आप जितना कर सकते हो करो। तो मुन्ना लाल रेडी हो पुशअप के लिए? चल चंदन रेडी हो जा, चल चालू हो जाओ। ठीक है। अरे ये क्या पुशअप मार रहे हो, ऐसा पुशअप नहीं मारना है, पुशअप में ट्विस्ट है, आपको टांग रखना है उधर ऊपर और इधर नीचे से पुशअप मारना है। चलो, और टनल को भी, हाँ चलो टनल पहले मुन्ना लाल मारेंगे और उसके बाद टनल। मेरा घड़ी मत गिरा देना, तुम लोग लंबे। पहले चंदन मारेगा, पहले मुन्ना लाल मारेंगे, हर बार मुन्ना लाल आता है, इस बार चंदन रहेगा। पहले मुन्ना लाल मारेंगे, वरना मुन्ना लाल पहले हार मानते हैं, मुन्ना लाल पहले हार मानते हैं। यार ये तो चीटिंग है, मुन्ना लाल या तो पहले हार। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आप आओ बैठो, पहले टनल नहीं मान लेगा। चलो टनल, अब टनल मार के दिखा रहा है पुशअप्स, लेकिन ट्विस्टेड पुशअप्स। चल भाई, रेडी 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 भाई, तेरे को रेडी होना है। तू पहले और थोड़ा आगे हो। यस, आई एम रेडी, रेडी, ठीक है, आई एम गोइंग। ओके, चलो चलो, 1 2 3 गो। मैं तारे देख रहा हूँ। अबे ये नीचे कैसे जाएगा बड़ा? नहीं नहीं, दोस्तों आई एम गोइंग, मैंने एक मार लिया, ये कुछ एक नहीं हुआ है, एक भी नहीं हो रहा इससे, तो एक भी नहीं हो रहा भाई, इससे नहीं भाई। मुन्ना लाल मैंने हाफ मारा, मैंने हाफ मारा, हाफ मारा है भाई। चलो मुन्ना लाल, अब आपकी बारी। मैं वन तो मारी, वन थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, ये देखो ये देखो क्या, ये मुन्ना लाल क्या दिखा रहे हो आप, थोड़ा अच्छे, थोड़ा ऊपर ऊपर करो, मुंह वाले गिर जाऊंगा। नहीं आप नहीं, आपको मैं बचा लूंगा ना, पैर डाल दूंगा ऐसे। ए भाई वो जैसे खड़ा ऊपर थोड़ी होएगा, यहाँ 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 रखो आप, यहाँ हाथ यहाँ से आएगा आपका। चलो हाथ यहाँ से आएगा, चलो चलो चलो, मुंह लेगा ना मेरा, लाल हो गया था चंदन, लाल लाल टमाटर की याद आ गई थी चंदन को। चलो भाई यार, पैर ऊपर स्ट्रेट रहना चाहिए, क्या बात है, नाइस पोजीशन, तो अच्छा है। ये क्या कर रहे हो, सुनना नहीं था क्या को, पुशअप मतलब हाथ भी नीचे आना चाहिए। शक्ल देखो, शक्ल देखो, दोनों से एक पुशअप नहीं करना चाहिए। फिर आप वापिस करना चाहोगे आप? नहीं नहीं, आप इसे भी जीत जाओ, आप इसे जीत जाओ, एक और मार के आप भी जीत जाओ इसे। यस, अभी फिर आ रहा है, देखो मुन्ना लाल अरे ये क्या, ये क्या था, आप तो पूछ ले वाला था, ताकि मेरे को करना पड़े भाई। मुन्ना लाल यार शर्म आई आपको, तेरे से अच्छा ही है, बस बस बस, अच्छा लेकिन फिर मैंने ही किया। अब लोग हटो, चलो अब शुरू हो जाओ। ये तूने कैसा पूछ अब कर रहे, पूछ अब मारते मारते नहीं, आपको इतना एनकरेज कर रहे हैं। यहां पे चैलेंज की बात हो रही थी गाइस, और यहां पे देखो मुन्ना लाल क्या कर रहे हैं, वो देखो चंदन, चंदन कर रहे भाई है के, मुन्ना लाल भाई भाई भाई, मुन्ना लाल और जीता वाला, और भाई हार भाई
90 किलो का मजा नहीं आता भाई। दो चैलेंज और बाकी थे लेकिन मुन्ना लाल अकेले अपना चैलेंज खत्म कर रहे हैं। मुन्ना लाल ने छोड़ा चंदन को। अब क्या होगा? ये देखो चंदन अपना कुछ तो षड्यंत्र रच रहा है। क्या कुछ हो पाएगा इससे? क्या चंदन 7 जन्म में मुन्ना लाल से जीत सकता है? ऐसा देने की तो 1 जन्म में भी नहीं जीत सकता गाइस। 7 जन्म तो दूर की बात है। ये देखो भाई मुन्ना लाल ने पूरा 90 भाई करा। आपको हमने वेट भी दिखाई दिया था प्रूफ के लिए। उसका लाल मुंह देखो भाई, टमाटर से ज्यादा लाल उसका मुंह हो गया है भाई। अभी देखो मैं आपको दिखा था। ये क्या चल रहा है भाई? अरे छोड़ दो भाई, आप दोनों जीत जाते हो भाई। ये क्या कर रहे हो यार? गाइस चैलेंज में चेंजेस है। हम कितना चैलेंज करने वाले थे? 3 चैलेंज करने वाले थे लेकिन एक हुआ, वो है पुशअप का, जो आंकड़ा दिखड़ा पुशअप था। अब होने वाला है वो है कुश्ती, WWE, इन दोनों के बीच। और ये हमारा अखाड़ा, और ये हमारे जीतते हुए प्रतिद्वंदी, और ये हमारे हारते हुए प्रतिद्वंदी, जिनको अभी आपने खूब पिटते हुए देखा है। अब क्या मुन्ना लाल आप जीत सकते हो? अपनी बॉडी करें। ओहो चंदन ने एक चैलेंज रखा है सामने। क्या मुन्ना लाल लोग चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? क्या ओह मुन्ना लाल अपना डाइट ले रहे हैं भाई। अभी अचार के साथ देख ही सकते हो, 2 प्लेट अकेले मुन्ना लाल दबा रहे हैं। एक्सेप्टेड भाई, एक्सेप्टेड। एक हाथ आपको जेब के अंदर डालना है, एक हाथ जेब के अंदर, और जेब से अगर हाथ निकला तो आप आओ। ओ भाई भाई, तो अभी शुरू होता है। 3, 2, 1 प्यू। ये क्या भाई, ये प्यू प्यू क्या कर रहे हैं भाई? अरे 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 ये क्या लड़ाई चल रही है भाई? मुन्ना लाल तो खाए जा रहे यार, फटाफट खेलो यार, ये कुश्ती फटाफट खत्म करो। मुझे लगता है मुन्ना लाल हार मान चुके भाई एक हाथ से, उन्हें डर लग रहा है सामने से कुछ करने में। मुन्ना लाल कोई मालूम वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी टांगे चला रहे हैं लेकिन उनके टांग से उनको ही लग गया। ओ भाई 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 क्या चल रहा है? एक हाथ दिया। ओ शिट यार, ये लेकिन यूज होने पे होना चाहिए, जेब से निकालने पे नहीं। हाँ यार ये नहीं यार, ऐसे बहुत मुन्ना लाल बेचारे यूज भी नहीं किए। उनका जेब इतना ढीला है, उनका जेब इतना ढीला आप देख सकते हो, इतना अंदर बाहर भाई पूरा ढीला जेब है यार उनका। अब दोस्तों आपके सामने डिनर तो दिख ही गया लेकिन चैलेंज के हिसाब से तो चंदन जीत चुका है। चलो गाइस, इस चैलेंज का एंड यही होता है और विजेता घोषित किए जाते हैं। अब और विजेता है आपका अपना टैलेंट लॉक्स, टैलेंट लॉक्स, टैलेंट लॉक्स। विजेता हार मानने वाला है। अच्छा कुश्ती अभी और चलने वाली है। तू विजेता नहीं, तू बीजेपी है। बीजेपी जीतनी चाहिए, मुझे नहीं पता गाइस। जैसा कि आपको पता है कि हर रूल में जबरन एक चीज होता है। हाँ जबरन गाइस। ये क्या चल रहा है अब? कहाँ भाई 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 इन्ना इन्ना करी चला। हाँ, देख थूको फेंक कर मार मार के थूक निकाल लेंगे। ऊपर से मम्मी को भी मार के लेंगे। तू बेड पे गया लग गया टन को लग गया ना ऐसे लग गया टन को कुछ नहीं लगाया लेकिन टन ऐसे नाटक कर रहा था कि मुन्ना लाल से बच जाए। थैंक यू श्रेयस। ये आप चरित्र समझ नहीं पाते क्योंकि मुन्ना लाल का दिमाग जो है ना वो गाइस आपको पता है गधे का दिमाग है मुन्ना लाल का। मुन्ना लाल आप कैमरा मैन को कुछ नहीं कर सकते। हाँ मैं तो हार ही मानता हूँ ना भाई, आपके सामने जीत सकता हूँ क्या मैं? चंदन अपनी फूर्ति दिखा रहे हैं, चंदन अपनी फूर्ति तो दिखा रहा है लेकिन मुझे मदद करनी चाहिए कुछ। चंदन को दबोच लिया गया है, जैसे एक शेर एक हिरण को दबोचता है बस उसी तरह दबोचा गया है चंदन को भी। बाप रे बाप, ये देखो चंदन को लिटा दिया है भाई। गाइस
मैं देख ही सकता हूँ गाइस आप बोलो भाई बोलो कि नहीं तू बोलो यार मानेगा कि नहीं तू अब बस आ गया मुनाल को इधर अटकाने का ठीक है अरे अटका जल्दी मैं भी आ गया हूँ चल अटका मैं भी जाऊंगा ये मुनाल को ठीक भाई अटका 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 गिरा दे गिरा दे गिरा दे गिरा दे आ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठने के लिए हाथ दिया अभी दोस्तों मेरे को मार रहे हैं दोस्तों मैं खजा क्या 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 आपको खजाना देख रहा है अरे बाप रे इतने का तेरे को हरा कि नहीं हरा हरा कि नहीं हरा हरा कि नहीं हरा इनको जीतने मत देना क्या बोले छोटे भाई इसको जीतने मत देना गाइस तू ये हमेशा बड़े भाई जीतेंगे गाइस ये हमारा संस्कार है भाई मुझे लगता है अब वीडियो बंद करना चाहिए गाइस संस्कार भूल गया था गाइस इसके लिए इसको जरूर इतना याद दिलाना गाइस हंस तो रहा है अंदर ही अंदर गाइस देख सकते हो आप देखो देखो हंस रहा गाइस ये मर चुका है अरे जिंदा है कि नहीं है भाई मुनाला सच में देखो एक बार सच में देखना अरे वो हंस रहा है इधर यही संस्कार सिखाया आपने यही संस्कार सिखाए मैं तो हार मान लिया हूँ मैं तो हार मान चुका कैमरा मैन को आप कुछ भी करोगे तो ब्लॉग ही नहीं बन पाएगा यार ब्लॉग का तेल लेने ब्लॉग का तेल लेने गया तो टिप्स टिप्स सुनो एक बात सुनो पहले एक बात सुनो ब्लॉग ब्लॉग का तेल लेने गया नंगा करके मारूंगा दम है तो मुझे एक बार बाहर आने शिट्स अब होने वाला है चोक स्लैम टूमस्टोन मुन्ना लाल तो पेरा को ऐसे उठा जैसे कंजोली में उठा रहे दोस्तों अब तो खत्म मुन्ना लाल अब तो खत्म दोस्तों अब मम्मी क्या करने वाली है वो मुन्ना लाल ही जा मैं तो चला दोस्तों चंदन नहीं किया रहे दोस्तों अब मम्मी क्या करिए मुन्ना लाल को ही जाने मैं तो चला भाई कहाँ कहाँ गिरा भाई मुन्ना लाल छोड़ो मुझे छोड़ो खेला था अटकाना किसको था तू मत ठीक है थूके थुकार हो जाऊंगा नहा लूंगा गिराज में मुन्ना लाल चलो चलो फटाफट सब उठाते सब उठाते दोस्तों हम मम्मी को बता रहे हैं इसे फटाफट साफ कर देते बाद में मम्मी देखी तो समझ में आएगा चलता लेकिन अभी बताते नहीं डांट खाएंगे बहुत डांट खाएंगे जो गिरा हुआ सामान था वो फाइनली मुन्ना लाल जैसे एकदम देख रहे हो आज साफ करे एंड यस बाकी मैंने उसमें डाल दिया एक प्लेट में और एक प्लेट को मैंने चिड़िया को दिया मैं आपको दिखा देता हूँ अब देख रहे हो दोस्तों इधर मैंने भूजा बाद वो भूजा डाल दिया है वो मम्मी का चूरा वाला भूजा एंड यस तो सॉरी दोस्तों थोड़ा वेस्ट हो गया उसे खाने में लेकिन चलिए कोई नहीं चिड़िया के लिए डाल दिया चिड़िया खा लेगी उसे तो चलिए मुन्ना लाल ने बहुत गंदा किया लेकिन ये देखो मुन्ना लाल कचरा अभी साफ कर रहे बच्चे को एकदम माइन्यूट था ताकि बिल्कुल भी पता नहीं चले मुन्ना लाल ने सीआईडी में बचपन से एक काम किया था एक पार्ट टाइम सीआईडी का जॉब किया था मुन्ना लाल जिसे मुन्ना लाल को ये सब बोलते हैं ना निशानी मिटाने का काम देते थे तो मुन्ना लाल ने ऐसे बहुत बड़े साफ किए
ताकि मुजरिमों को कुछ पता नहीं चले और मुनारा ऐसे छोटे छोटे सुराख बारीकी से निकाला है ना मुनारा उसके मुनारे जेब काट के। तो हम लोग ने तो फिर भी आधा ही किया था, हमें लगा था कुछ नहीं होगा वही पकड़े, लेकिन मुनारा बोला नहीं रुको और देखो मुनारा ने इतना कचरा निकाल दिया। जेब सफाई के बाद मैंने जो है ना झाड़ू पोछा निकाल के कहीं ना कैसे करते समझ रहेगा मतलब झाड़ू पोछा काम। तो इसे मुना बोले नहीं नहीं तुम लोग अभी पकड़े आ सकते हो, इसे मुना ने देख अभी क्या दिमाग लगा और पूरा साफ कर दिया उसे मास्टर मुनावाल। तो दोस्तों मुनाल को एक सेक्यूरिटी सैल्यूट, हिंदुस्तान में ऐसे सिपाही होंगे जय हिंद सलामी जय तो दोस्तों मुन्नालाल को एक सलाम है, दिल में तिरंगा है मुन्नालाल के लिए। मुन्नालाल भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों मुन्नालाल के लिए एक सैल्यूट और दो मिनट का शांति मुन्नालाल के लिए। मैं मरा नहीं हूँ बे, शांति दे रहा हूँ। अरे शांति मतलब मुन्नालाल को ट्रिब्यूट भाई जिंदा हुआ है मुन्नालाल मुन्नालाल को एक ट्रिब्यूट। अब मैं आपको एक खजाना दिखाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको अच्छा लगा आज का चैलेंज। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों अभी एक शोर आप देख रहे हो, ये खाना खाने का शोर है। तो रात का खाना का डिनर का टाइम हो गया दोस्तों। तो यस आज का खाना दीदी ने बनाई, जैसा आपको पहले बताया था। आज खाने में आलू कड़ी और राइस एंड यस अगर आपको साथ में पापड़ खाना है तो पापड़ भी या फिर अचार चाहिए तो अचार भी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सब खा रहे हैं, आज पापा भी साथ में खा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो पापा भी खा रहे हैं, तो आज पापा भी साथ में खा रहे हैं क्योंकि आज चांद नहीं आज सूरज होगा, है ना अमी? यस ऐसा ही है। पापा वो चार दिन की चांदनी टाइप है, पापा कभी कभी दिखते हैं ऐसे दिखेंगे नहीं। तो चलिए मैं भी बैठ रहा हूँ, आज आपको खाने का। तो ये है नेहा दीदी बनाया आलू कड़ी एंड ये है राइस। मैं पापड़ तो नहीं खाता तो इसके लिए, और नया जी पापड़ खा दिए। तो चलिए खाना खाते हैं। हाँ दोस्तों तो खाना हो चुका है एकदम पेट भर, यस पेट भर गया। आज के लिए इतना ही, ब्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तनन ब्लॉग्स को। यस थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय गुड नाइट। थैंक यू बाय तनी बाय मनीष भैया गुड नाइट बाय। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड नाइट शुभ रात्रि दोस्तों।